नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो प्यार, धोखा और बदले के जटिल रिश्ते को बखूबी दर्शाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2002 में रिलीज हुई अमेरिकी फ्रेंच फिल्म अनफेथफुल की। फिल्म की कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के आसपास घूमती है। कोनी और एडवर्ड एक शादीशुदा कपल है जो न्यूयॉर्क के उपनगर में एक आलीशान घर में रहते हैं। उनका एक 8 साल का बेटा चार्ली है और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है। हालांकि कोनी के मन में एक अशांति है। उसे लगने लगता है कि वो एडवर्ड के साथ अब उतना खुश नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। एक दिन कोनी कुछ सामान खरीदने जाती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है। वह एक आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम पॉल होता है। उससे टकराने की वजह से कोनी को चोट लग जाती है। पॉल का घर पास में होता है इसलिए वह उसे अपने घर ले जाता है। वह कोनी की चोट पर बर्फ लगाता है और फिर अपना हाथ उसके पैर पर रखता है। कोनी वहाँ से जाने को निकलती है तो पॉल उसे एक किताब ले जाने को कहता है और उसे एक किताब देता है जिसमें फोन नंबर होता है। बाद में कोनी पॉल को सेंट्रल स्टेशन से कॉल करती है। पॉल उसे अपने घर बुलाता है। दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं। तीसरी मुलाकात के दौरान कोनी और पॉल डांस करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी जब वापस अपने घर जा रही थी तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। वह अपने पति को धोखा दे रही थी। वह पॉल से मिलने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। अब एडवर्ड को भी कोनी पर शक होने लगा था। एडवर्ड को एक कर्मचारी कोनी और पॉल के रिश्ते के बारे में आगाह करता है जिसने दोनों को एक साथ देखा था। अब एडवर्ड एक जासूस को काम सौंपता है। अगले दिन कोनी पॉल से मिलने जाती है और वह जासूस उनकी फोटोज ले लेता है और एडवर्ड को दिखाता है। यह फोटोज देखकर एडवर्ड को बहुत दुख होता है। एक दिन कोनी चार्ली को स्कूल से ले जाना भूल जाती है और उसे एहसास होता है कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब एक दिन कोनी पॉल को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और गुस्से हो जाती है, पर पॉल उसे समझाता है कि वो सिर्फ दोस्त है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड आता है। कोनी अपने आप को छुपा के वहाँ से निकल जाती है। पॉल एडवर्ड को घर के अंदर आने देता है। दोनों डिस्कशन करते हैं। एडवर्ड को वहाँ बर्फ का गोला दिखता है जो उसने कोनी को गिफ्ट में दिया था। एडवर्ड इसे पॉल की खोपड़ी तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में एडवर्ड सबूतों को मिटाता है। तभी वह कोनी के आवाज़ वाले कॉल को सुनता है। एडवर्ड पॉल के शरीर को अपनी कार की डिक्की में रखकर लैंडफिल में फेंक देता है। डिटेक्टिव कोनी का नंबर ढूंढते हैं और उसके घर का दौरा करते हैं। आगे कोनी को एडवर्ड के कपड़ों में उनकी और पॉल की तस्वीरें मिलती है। वो व्याकुल हो जाती है। एडवर्ड कबूल करता है कि वह पॉल को नहीं बल्कि उसे मारना चाहता था। फिल्म के अंत में हमें एडवर्ड की कार पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई देती है। एडवर्ड ने खुद को सरेंडर कर दिया है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।